नमस्ते, टेरिस किचन में आपका स्वागत है। आज हम रबड़ी मलपुआ बनाएंगे, चलिए इसे बनाते हैं। मैंने यहाँ एक कप आटा, आधा कप मिल्क पाउडर, आधा कप चीनी, डेढ़ कप दूध, दो चम्मच काजू का पाउडर, मैंने 10 से 12 काजू लिया था, उसे मिक्सी में डालकर उसका पाउडर बना लिया है। दो चम्मच सूजी, सौंफ, इलायची पाउडर और रबड़ी लिया है। इसे मैंने घर पे बनाया है, इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हूँ। कटोरा में आटा डालेंगे, इसमें मिल्क पाउडर, चीनी, काजू का पाउडर, सूजी, एक चम्मच सौंफ और आधा चम्मच इलायची का पाउडर डालेंगे। इसे मिक्स करेंगे, इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे और इसका पतला घोल बनाएंगे। इसे 10 मिनट के लिए रख देंगे जिससे चीनी इसमें अच्छे से घुल जाएगी। कढ़ाई में तेल गर्म करेंगे, इसमें बैटर को डालेंगे और फ्लेम को कम कर देंगे। पलट देंगे, ये दोनों तरफ से सुनहरे रंग का हो गया है, इसे अब हम निकाल लेंगे और इसी तरह से बाकी के पुए बनाएंगे। मलपुआ तैयार है, आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं। इस पर हम राबड़ी डालेंगे। गरम गरम मलपुए पर अगर ठंडी ठंडी रबड़ी डालकर खाया जाए तो उसका मजा दुगुना हो जाता है। इस पर थोड़े से कटे हुए ड्राई फ्रूट डालेंगे। रबड़ी मलपुआ तैयार है, धन्यवाद।